हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिशिका ब्यूटी हब में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज का वीडियो है कि मैं अपना सेल्फ अपर लिप कैसे करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपना थ्रेडिंग कैसे बनाते हो, क्योंकि मैं खुद पार्लर चलाती हूँ तो बहुत से कस्टमर का मुझसे क्वेश्चन यही रहता है कि आप अपना आईब्रो कैसे कराते हो, और बहुत से कस्टमर का क्वेश्चन ये भी रहता है कि आप अपना अपर लिप कैसे करते हो। तो मैं थ्रेडिंग का भी वीडियो आपके संग शेयर करूंगी कि मैं अपना थ्रेडिंग कैसे करती हूँ या कैसे करवाती हूँ, और अपर लिप का मैं आज आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ कि मैं अपना अपर लिप कैसे करती हूँ। तो मैं मोस्टली दो तरीके यूज करती हूँ, थ्रेड से भी कर लेती हूँ, लेकिन थ्रेड से बहुत पेनफुल होता है और काफी समय लगता है। तो इस चीज को पहले मैं किया करती थी कि मैं थ्रेड से कर लेती थी, लेकिन अब मैं थ्रेड से बिल्कुल भी नहीं करती। तो अब मैं यूज करती हूँ अपने लिए वैक्स। तो वैक्स में कौन सा यूज करती हूँ? वैक्स में यूज करती हूँ व्हाइट चॉकलेट। इसका जो सबसे अच्छी बात, खास बात ये है कि ये जो वैक्स है, एक तो इससे पेन ना के बराबर होता है, और दूसरी खास बात है जितना भी डेड स्किन है बहुत ही अच्छे तरह से रिमूव करता है। मुझे जरा सा भी वो नहीं लगता कि काला काला सा हो गया है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है इसमें, और ये बिल्कुल अच्छे से मेरे अपर लिप बिल्कुल क्लीन कर देता है और बहुत ही मजे का होता है ये वाला वैक्स। तो ये मैं आज यूज करके बताऊंगी कि मैं अपना अपर लिप कैसे करती हूँ। तो थोड़ा सा पहले मैं वैक्स हीटर में ये निकाल लूंगी, और ये है कुछ इस तरीके का। ओके, तो जरा सा ही निकालती हूँ क्योंकि अपर लिप मेरे बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, ना के बराबर है, क्योंकि मैं हमेशा वैक्स कराती हूँ, और बहुत से लोग डरते हैं कि वैक्स कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो मैं सबको राय दूंगी कि जिनके अपर लिप हैं, जिनके हैं उनके लिए वीडियो है, जिनके अपर लिप हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैक्स से ही कराएगा। तो वैक्स से कराने से क्या होगा? वैक्स से कराने से ये होगा कि आपका जो ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है, मतलब बहुत हल्का हल्का निकलता है। तो ये मैंने इस खाली हीटर में इसको निकाल लूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा गर्म जब हो जाएगा तब मैं इसको यूज करना शुरू करूंगी। तो फ्रेंड्स जब आप वैक्स कराते हो, आप कहीं का भी वैक्स कराएंगे, तो आपको दो तीन बार जब करा लेंगे तो अपनी ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। कि अगर आपकी ज्यादा ग्रोथ है तो फिर वो हल्की होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, किसी किसी के ना बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, तो कम से कम इतना तो होगा ही होगा कि वो 10% तो लेस हो ही जाएगी। ठीक है, तो बहुत से लोग ये भी डरते हैं कि मेरे दाना ना निकल आए कुछ नहीं, तो हाँ ये हो सकता है कि आपके दाना निकल आए। सेंसिटिव स्किन पे दाने निकल आते हैं, और ऐसे भी निकल आते हैं, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वैक्स का दाना होता है ना वो बहुत जल्दी सही हो जाता है। करना क्या, अगर आपके दाना निकलता है तो आप ना अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लीजिए और ठंडी सिकाई करिए, जैसे बर्फ की सिकाई होती है ना वो करिए, हल्का हल्का पाउडर लगा सकते हैं, और इतना करने के बाद आपका दाना एक दिन में ही बैठ जाएगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं होती है। और वैक्स जरूर कराना चाहिए। अगर आपका अपर लिप है तो आप वैक्स से ही रिमूव कराए, वैक्स इज द बेस्ट। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वैक्स एकदम गल चुका है, और इसके लिए मैं क्या करूंगी, छोटी छोटी सी पट्टियां मैंने काट के पहले से रखी हैं, तो लगभग दो स्ट्रिप में मेरा काम हो जाता है, कभी कभी एक में भी हो जाता है। ओके, जब अपर लिप जो भी लेडीज या गर्ल करा लेते, तो उसके बाद जब लिप कलर लगाते ना तो बहुत उभार के बहुत ही अच्छा सा आता है। तो थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ, नहीं भी लगाऊंगी तो चलेगा, लेकिन लगा लेते हैं, क्योंकि आपको अगर ऑयल बहुत आता ना स्किन में, तो स्किन ड्राई है, लेकिन अगर आपके ऑयल ज्यादा आता हो यहाँ पर और ऑयली स्किन हो, तो आपको पाउडर जरूर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, पाउडर लगा लिया। ओके, बूढ़ी दादी लग रही हूँ। तो अब क्या करना है, वैक्स लेना है, और ये जरूर श्योर कर लीजिए कि वैक्स गरम ना हो, अगर गरम होगा तो आपके तीन होंठ निकल आएंगे, यहाँ पे छाला निकलने वाला है ना। तो इसको पहले हम लोग ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसको लगाएंगे। तो टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने हैंड पे हल्का सा छुआ के देखिए, अगर आप सह ले रही हैं इसको तो ये आपकी स्किन पे जाने के लिए रेडी है। जब यहाँ पे एकदम सहने में कोई दर्द नहीं हो, तब अगर जरा सा भी दर्द हो रहा तो क्योंकि यहाँ की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है,
और पतली होती है, तो अगर यहाँ पे आसानी से सह ले रहे ना तो यहाँ पे भी सह लेंगे। तो करना क्या है, अब मैंने लगा लिया, अब मैं ऐसे लगा लूंगी इस तरीके से और हाफ हाफ में करके ही है लगाऊंगी। तो जब इतना लगा लेंगे, अब इसका जो मोटा वाला हिस्सा है इसको नहीं, जो धुंधला हिस्सा पट्टी का उसको रखते हैं। और इसको लगा के मैंने यू वैक्स लगाया था और अपोजिट डायरेक्शन में मैं फिर दूंगी। बहुत हल्के हल्के से बाल हैं, आई होप दिख रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके के बाल निकल गए और ये हिस्सा क्लीन हो गया मेरा। तो मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, पता नहीं कैमरा कैच कर पा रहा कि नहीं कर पा, क्योंकि बहुत ही लाइट लाइट से हेयर है मेरे। ओके, तो देखा कितनी आसान तरीके से मैं अपना वैक्स कर लेती हूँ। तो अब मैं दूसरे हिस्से में भी अपना वैक्स लगाऊंगी। तो इस तरीके से लगा के मैं फिर से फिर दूंगी। ये मैंने बहुत ज्यादा कस कस के नहीं खींचा, ये थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था वैक्स, सिर्फ मैंने वैक्स निकाला है। और इससे स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बहुत ट्रिपल बार नहीं चलाना चाहिए, डबल बार नहीं चलाना चाहिए, तो वैक्स लगा के नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर आपका वैक्स थोड़ा बहुत लगा है तो ये छूट जाता है ऐसा करने से। ओके, तो एक बार मैं और लगा के इसको, क्योंकि मैंने अभी बीच का एरिया छोड़ दिया था। ओके, बीच के एरिया पे पहले मैंने इस साइड लगाया था तो ऐसे खींचा था, इस साइड लगाया था तो ऐसे खींचा था, अब मैंने इस साइड लगाया था मैं अपर मतलब ऊपर की साइड खींचूंगी। तो ऐसे कर लेती हूँ, अगर आप घर पे करते तो आप भी यही इसी तरीके से करिएगा। और ये हो गया पूरा साफ मेरा अपर लिप। मैंने कहा था ना केवल एक ही पट्टी लगती है, दूसरी मैं काट लेती हूँ। तो मैं एक बार नजदीक के आईने से भी चेक कर लेती हूँ कि पूरा रिमूव हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ रह गया, मत गिरो। और अब मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, परफेक्ट, पूरा का पूरा ये मेरा बन गया है। और ये मैं केवल ऐसे ही कर ले रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत इधर उधर की डेड स्किन हो निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे निकल गए मेरे। ओके, तो आपने देखा कितनी इजी तरीके से मैं अपना वैक्स से निकाल लेती हूँ अपर लिप। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से मैंने अपना अपर लिप रिमूव कर लिया और मुझे पेन भी नहीं हुआ है और मेरा जो डेड स्किन था वो भी निकल गया है। और जब मैं इस पर अब लिपस्टिक लगाऊंगी तो आपके सामने लगाने जा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी लिपस्टिक इस पर लगेगी, क्योंकि अब मेरा अपर लिप बन चुका है। और मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक जो कि न्यूड कलर है, पिंक न्यूड है। तो मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये अब मेरी लिपस्टिक कैसे लगेगी।
फ्रेंड्स, जब अपर लिप आपका बन जाता ना तो आपकी लिपस्टिक में एक अलग सा ही निखार आता है। जब आप लिप कलर अपने लिप्स पे लगाते हो ना तो वो कुछ खिल कर आता है, जैसा कि मेरा खिल कर आया। और इससे पहले भी मैंने एक न्यूट कलर का शेड लगा रखा था तो बहुत बुझा बुझा सा चेहरा लग रहा था, क्योंकि मेरे काफी यहाँ पे अपर लिप आ गए थे। और जो अपर लिप होते ना, जो ब्लैक ब्लैक से होते तो यहाँ की स्किन को ब्लैक ब्लैक से दिखाते हैं, असल में होता नहीं है ब्लैक आपका स्किन, क्योंकि आपके अपर लिप पे बाल आ रखे हैं तो वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, और जब आप लिप कलर लगाते तो खास नहीं लगता है। लेकिन जब आप इसको रिमूव करवा देते हो तो आपका जो लिप कलर है ना बहुत ग्लो करता है, बहुत अच्छा सा कलर आता है, जैसे कि मेरे ऊपर आया है। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अब अपर लिप बनाने के बाद ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कोई भी नया वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम पे भी आपका वीडियो बना के दूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।